यूपी नवाबों का राज्य है। आज भी कई इमारतें नवाबों की पहचान है। नवाबों की संपत्ति के बंटवारे में आपस में ही नवाब खानदान पिछले 46 सालों से लड़ रहे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिए हैं कि नवाबों की संपत्ति का बंटवारा शरीयत के हिसाब से किया जाएगा, जिसमें रामपुर के अंतिम शासक नवाब राजा अली खान की जायदाद के बंटवारे की प्रक्रिया के तहत रियासतकालीन आर्मरी के दरवाजे करीब 46 साल बाद खुले तो लोगों की आंखें फट गई रह गई। आर्मरी में सोना और चांदी जड़ित हथियार मिले हैं, जिनकी गिनती शुरू कर दी गई है। इस सर्वे में अभी दो दिन और लगने की उम्मीद है। न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी आनंद जी कुमार सिंह ने आर्मरी का ताला खुलवाने के लिए एसडीएम मान सिंह पुंडरी, सीओ विद्याशंकर शुल्क और शास्त्रों के जानकार राशिद खान व आमिर खान की कमेटी बनाई थी। एडवोकेट कमिश्नर मुजमिलिन हुसैन व सौरभ सक्सेना ने कमेटी की मौजूदगी में आर्मरी के ताले खुलवाए। यहां नवाब खानदान के सदस्य भी थे। जंग के कारण कुछ ताले चाबी से नहीं खुले तो उन्हें तोड़ दिया गया। ताले खोले गए तो सब हैरान रह गए। यहां संदूकों और अलमारियों में बेशकीमती हथियारों का जखीरा रखा था। कुछ हथियारों पर सोना और चांदी की भी जड़ें हैं। एडवोकेट कमिश्नर ने सभी हथियारों की गिनती कराई। इस काम में काफी लंबा वक्त लगेगा। पहले दिन सर्वे का काम पूरा नहीं हो सका। अभी दो दिन और गिनती की जाएगी। गिनती में पहले 400 से ज्यादा शस्त्र मिले हैं, जिसमें तलवारें, खंजर, भाले, पिस्टल, बंदूकें, राइफल और अन्य हथियार शामिल है। शस्त्रों की संख्या हजारों में है। एडवोकेट कमिश्नर के साथ साथ आर्मरी में मिले शस्त्रों की सूची प्रशासन भी बना रहा है। आर्मरी से जो शास्त्र मिले हैं उसमें लंदन, हॉलैंड, जर्मनी, अमेरिका, स्पेन, जापान आदि देशों की प्रमुख कंपनियों के शस्त्र शामिल हैं। इसमें रामपुर में बने शस्त्र भी शामिल हैं। इस मौके पर नवाब खानदान से जुड़ी पूर्व सांसद बेगम नूर बानो, पूर्व मंत्री नवाब काजी अली खान उर्फ नवेद मियां, पूर्व राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद की बहू नवाबजादी सबादुर्रेज अहमद, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बदरदुर्रेज अहमद के बेटे जुलनूर अहमद, निगत आबदी एडवोकेट कमिश्नर अरुण प्रकाश सक्सेना मौजूद रहे। वहीं नवाब परिवार के मीडिया प्रभारी काशिफ खान ने बताया कि अभी हथियारों की गिनती चल रही है, उसके बाद ही नीलामी की जाएगी। देखिए रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। देखिए ये मैटर है नवाब रजा अली खान की संपत्ति को लेकर, और इस नवाब रजा अली खान की संपत्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश कर दिया है, जो कि शरीयत के आधार पर इनके जितने भी वारिस हैं उनको हिस्सा मिलेगा। उसके तहत ही जिला जज महोदय ने यहाँ पर कमिश्नर नियुक्त किए थे, जिनके द्वारा नवाब रजा अली खान की चल और अचल संपत्तियों का विवरण ये दोनों कमिश्नर महोदय जो हैं अदालत में जमा करेंगे। उस आधार पर उसकी वैल्यूएशन लगाकर इनका बंटवारा किया जाएगा। ये कितनी संपत्ति टोटल? देखिए कोटी खास बाग है, बेनजीर है, कुंडा है, आपका शाहबाद में लक्की बाग है, नवाब रेलवे स्टेशन है, इन सब को लगा के लगभग 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अच्छा कल जो इनमें शस्त्र निकले हैं क्या चेकिंग हुआ, क्या था? कल एक्चुअली क्या है कि जो आर्मरी थी शस्त्रागार, वो क्योंकि जिला जज के उसमें जिलाधिकारी के उसमें अंडर में रहती है, तो इसलिए उसकी वो भी संपत्ति नवाब रजा अली खां की अपनी संपत्ति है, उसका भी बंटवारा होना ज़रूरी है। इसलिए कल आर्मरी खोली गई थी, जो कि एसडीएम महोदय और सीओ सिटी थे वहाँ पर उनके और कमिश्नर साहब के समक्ष, उसमें तलवारें, बंदूकें और रिवाल्वर प्राप्त हुए हैं। इसमें जमीन टोटल कितनी है खासबाग? कोटी खासबाग लगभग 450 एकड़ की जगह है, और उस 450 एकड़ में लगभग 50 से 55 एकड़ में ये महल बना हुआ है। कल हथियारों की कितने हथियार निकले होंगे? लगभग 400 के आसपास हथियारों की कल गिनती की जा चुकी है, अभी इसका मूल्यांकन बाकी है। अच्छा। और आज भी उसकी जो है वो अलमारी खुलनी थी, उसमें क्योंकि कुछ अलमारियाँ ऐसी हैं जिसमें ताले लगे हुए हैं। नवाब रजा अली खान के मौजूदा हालात में कितने वारिस हैं? लगभग 16 पार्टीज हैं, इसमें 16 वारिस हैं। कौन कौन है? एक दो के तो हैं क्योंकि पूरी 16 फाइल में है। एक जैसे बेगम नूर बानो हैं, नवाब काजिम अली खान हैं, सनादुर्रेज हैं, मुराद मियाँ हैं, निगत भी हैं, तलत फातिमा हैं, और भी हैं। लगभग 16 लोगों को मिलेगी संपत्ति? जी हाँ, 16 लोगों में ही शरीयत के आधार पर बैठे। शरीयत के हिसाब से कैसे बंटवारा हुआ कुछ मालूम है ना? उसमें ये है कि जैसे मुमदन लॉ में और जो शरीयत है उसमें डिवाइडेशन होता है परसेंटेज के आधार पे, कि पत्नी को ऐसे मिलती है, बेटे को ऐसे, बेटी को ऐसे, उसी आधार पर।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।